नमस्कार दोस्तों, दैनिक एजुकेशन टीवी में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ आप मेरे चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। दोस्तों, इज आईबीए इन्वॉल्व्ड इन एनी वे? व्हाई अवर पेंशन केस वाज रिमूव्ड ऑन 13 मई? दोस्तों, क्या आईबीए का कोई भी हाथ हो सकता है इस पेंशन केस को 13 मई तक स्थगित कर देने में? 100% हाथ हो सकता है दोस्तों। तो क्यों 13 तारीख को आईबी और यूएबीयू एक मीटिंग में पार्टिसिपेट किए? यूएबीयू सब कुछ जानते हैं और यूएबीयू जान बुझ के चुप होके बैठे, यूएबीयू का लीडर्स। और यूएबीयू ये भी जानते हैं 22 तारीख कोई भी केस लड़ा नहीं जाएगा, 22 तारीख का केस डिसमिस हो जाएगा 13 मई के लिए। देखिए, जो मीटिंग हुआ उस मीटिंग में यूएबीयू ने बताया हम लोगों को, आप लोग पेशेंस रखिए। और आज हम लोग तो पेशेंस ही रखेंगे ना, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, इसलिए हम घर में बैठ के ही पेशेंस रखेंगे। तो आप लोग क्यों उस दिन आईबीए के साथ इतना मीटिंग किए, मीटिंग में आप लोग डिस्कस किए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जो 22 तारीख का केस है वो आपने पीछे कर दिए 13 मई को? व्हाई अवर पेंशन केस वाज मूव्ड ऑन 13 मई? दोस्तों, इसमें आईबीए का लॉयर, आईबीए का लीडर, यूएबीयू के लीडर सब कुछ सब लोग सब कुछ जानते थे। 13 मई में ही एक केस का सुनवाई होने वाले है, इसलिए हम लोग चुप ही रहेंगे और सर्कुलर में बता देंगे 5 डेज बैंकिंग पेंशन अपडेशन, मतलब लॉलीपॉप आंसर दे दिया और रिटायरीज भी चुप कर गया। हाँ, हमारे लीडर लोगों तो कुछ तो कर रहे हैं ना। तो दोस्तों, आप ही प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए इसका जिम्मेदार कौन है। मैं तो मानती हूँ दोस्तों, आईबीए के लीडर इसमें जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते थे आईबीए ऐसे ही करने वाले हैं। तो मेन जो जिम्मेदार है वो यूएबीयू का प्रतिनिधिमंडल है, मेरा ओपिनियन है। आपका ओपिनियन कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।